आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। ड्यूलिटी में समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पर ड्यूलिटी का यूज किया गया है कि दो गो ऑपरेशन यूज किया गया, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन, है ना। समझ गए, जब इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या हो गया, ड्यूल हो गया। हो गया ये ड्यूल हो गया, दो हो गया। फिर जीरो और वन है, जीरो इंटरचेंज वन और वन इंटरचेंज जीरो, है ना। तो भी क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के अंतर्गत आ गया। एनी थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा वैलिड इफ प्लस जो है एडिशन ऑपरेशन जो है इज इंटरचेंज विथ मल्टीप्लीकेशन, इस तरह लिखें, या इसको बाइनरी ऑपरेशन देख के लिख सकते हैं। अभी बोर्ड थोड़ा चमक रहा हुआ है ना यहाँ पर, कल से नहीं चमकेगा, कल ट्यूबलाइट सीधा करवा देंगे यहाँ पर ना, तो नहीं चमकेगा। क्योंकि अपना घर में हम सीधा करवाए थे और यहाँ क्या किया है कि इस तरह कर दिया ना, जिसके कारण चमकता है। इंटरचेंज विथ मल्टीप्लीकेशन एंड जीरो इज इंटरचेंज विथ वन, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले दिया हुआ आपको ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ पहले से इतना है, देन तब क्या हुआ कि एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी का मान भी क्या होगा, ए ही होगा। समझ गए, ये क्या हो गया, ड्यूल। किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के माध्यम से अगर इतना दिया हुआ है तो हम इतना लिख सकते हैं। और भी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इफ ए प्लस वन ए प्लस जीरो इक्वल टू क्या बताया गया था, ए था, देन अगर चेंज कर दे ए इंटू यहाँ क्या कर दे वन, जीरो को वन में एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, ए ही होगा। ये किसके माध्यम से हुआ, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के माध्यम से हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का भी बहुत बड़ा यूज है आगे जाके, जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा में, है ना, तो उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी को यूज करेंगे। खाली यही ध्यान देना है कि जहाँ जीरो वहाँ वन, जहाँ वन वहाँ जीरो, जहाँ एडिशन वहाँ मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन वहाँ एडिशन। तो देखिए, जब तक इसका लॉ वगैरह थ्योरी वगैरह न पढ़िएगा ना, तब तक आपका न्यूमेरिकल भी नहीं बना पाइएगा कितना यूज होता है। द फॉलोइंग लॉ बोलिए, थ्योरी बोलिए, है ना, इन ए बूलियन अलजेब्रा आज एक एक करके सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पहला जो है
लॉ आइडेम्पोटेंट लॉ तो आइडेम्पोटेंट लॉ जो है यह कहता है कि अनचेंज द वैल्यू, एक कानून बना दिया इसमें ना, नियम बना दिया, क्या लॉ बना दिया कि वैल्यू में कोई चेंजिंग न करे, उसके लिए तो विच इज अनचेंज्ड इन वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज न करे, जैसे ए प्लस ए क्या दिया हमको, ए देगा इसमें एंड ए इंटू ए का वैल्यू क्या देगा, ए देगा। ए कहाँ से लिया गया है, ए बिलोंग टू बी, बी क्या है, एक सेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा है। तो इसको प्रूफ करना चाहें तो वही जो हम कल बताए थे बी वन बी टू बी थ्री बी फोर उसको लेके कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या बताया गया था, ए प्लस जीरो का वैल्यू क्या था, ए था। किसके माध्यम से, जल्दी बोलिए, किसके माध्यम से किए हम लोग बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, किसके माध्यम से, बी वन नहीं, बी वन तो कमोटेटिव था, बी टू क्या था, बी टू, बी टू में आपका आईएनटी लॉ था आपका, तो बी टू के माध्यम से हुआ। तो आप बता रहे हैं कि कल ही बताया था कि पूरा के पूरा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना जो कल बताया गया था स्टेप बूलियन अलजेब्रा का वो पूरा का पूरा है ना, क्या बोले कि प्रैक्टिस करना होगा, अलग अलग नंबर लेके भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करना प्रैक्टिस करना होगा तब भी होगा। अब इसको हमको करना है जीरो को लेना है तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बताया गया था, जीरो, किसके माध्यम से, जल्दी बोलिए, कॉम्प्लीमेंट किस में था, बी फोर में था, देखिए बी फोर में लिखा हुआ। अब यह जो लॉ फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के माध्यम से, एक एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए डैश किसके माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी थ्री में था ना जी, बी थ्री के माध्यम से हुआ। ऐसा इसे लिखवा दे रहे हैं कि जब तक हम पूरा लॉ को प्रैक्टिस ना करें तब तक आप न्यूमेरिकल भी नहीं बना पाएगा, इसका एक्सप्रेशन दे रहता है। अब बोलता है कि इसका कौन सा सही होगा, है ना, जिसका एक्सप्रेशन सॉल्व करके कौन सा एक्सप्रेशन आएगा इसका। अब ए प्लस ए, अब इसका मान क्या बताया गया था बताइए, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज वन होगा, किसके माध्यम से, बी फोर के माध्यम से, कॉम्प्लीमेंट में दो किए, जो भी लॉ बताया गया था एडिशन के लिए था और कमोटेटिव लॉ, बी वन एडिशन था मल्टीप्लिकेशन था, फिर क्या था आईएनटी, एडिशन भी था मल्टीप्लिकेशन भी था, फिर क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन भी था मल्टीप्लिकेशन दोनों था उसमें, कॉम्प्लीमेंट एडिशन भी था और मल्टीप्लिकेशन भी था। अब इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस ए होगा, ए प्लस ए होगा, यानी क्या प्रूफ कर दिए, ए प्लस ए का वैल्यू क्या हो गया, ये हो जाएगा। हाँ, ये कौन सा लॉ हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। अब इस पर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लीजिए, ए बराबर लिख सकते हैं ए इंटू वन किसके माध्यम से, बोलिए, तो कौन सा, बी टू है ना, बी टू मान लें। अब ए इंटू वन को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश बी फोर के माध्यम से, कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए इसका मान क्या था, जीरो था बी फोर के माध्यम से,
क्या बच गया a इंटू ए, यानी क्या प्रूफ किए हम लोग, a इंटू ए का मान क्या हुआ, यानी यही था आइडम्पोटेंट लॉ। तो इसको याद रखिएगा। अब मान लिया कि हमको यही याद केवल है, देखिए a प्लस a बराबर a है, तो बाय ड्यूलिटी के माध्यम से क्या करेंगे, प्लस था तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a प्रूफ हो गया। हाँ a इंटू ए बराबर a है तो बाय ड्यूलिटी के माध्यम से तो a प्लस a कितना हो गया। इस तरह प्रैक्टिस करना आपको, हाँ समझ के लिख सकते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये लॉ समझ गए आप लोग। दूसरा है बाउंडेडनेस, बाउंडेडनेस देखिए हम स्टार्टिंग में क्या किए थे कि सब केवल लॉ लिखवा दिए थे, बाद में देखे कि न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा पाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में सबका लॉ लगेगा। जब तक पहले ही आप अप्लाई करने के लिए न सीखिएगा डिफाइन के माध्यम से, तब तक आप न्यूमेरिकल में भी अप्लाई करने के लिए जान पाइएगा। तो बाउंडेडनेस कहता है कि द इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ बीइंग फिनाइट, इक्वलिटी होता है जैसे a प्लस वन क्या होगा, वन होगा, एंड a इंटू जीरो क्या होगा, फॉर ऑल a बिलोंग टू, किसी एक को भी प्रूफ करेंगे तो अभी जब प्रिंसिपल बताया था यूनिटी उसके माध्यम से कर सकते हैं, a को करेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो लॉजिक जो है स्टार्टिंग में बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ए लगाना है आपको, क्या लगा सकते हैं, तो वन लाना है तो वन बराबर क्या होता है ए प्लस ए का डैश, तो इसको तोड़ना है तो क्या होगा ए डैश इंटू वन लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा ए प्लस ए डैश इंटू ए इंटू ए प्लस वन, ए प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव जी ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस वन, ए प्लस ए डैश का मान क्या होता है वन इंटू ए प्लस वन, तो क्या बन गया ए प्लस वन, तो ए प्लस वन के मान क्या हो गया वन हो गया। अब दूसरा जो प्रूफ करना है तो लिख सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के माध्यम से लिख सकते क्या ए है तो क्या बताया जो प्लस होगा तो इंटू कर देना होगा, वन होगा तो क्या करना होगा जीरो, यहाँ भी वन है तो क्या करेंगे हम लोग प्रूफ हो गया, वो नहीं होगा किसी एक को कीजिए दूसरा में ड्यूलिटी लगा सकते हैं। ऐसा जो ही नहीं कि हम जो दो क्वेश्चन जो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एक्सप्रेशन तो उसमें काम आएगा, ये आपको आगे चल के भी काम आएगा ड्यूलिटी वगैरह है ना, टेबल पढ़ेंगे टू टेबल में भी काम आता है, और गेट नॉर गेट में भी काम आता है, जितना जो लॉजिक लिखवा रहे हैं सब में काम आएगा आपको।
तो डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल पकड़ा देंगे आपको, तो पागल जैसा रहेगा, अरे कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ हो रहा है ना, क्योंकि जंप करें ना आपका लॉजिक ना है। आ इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ सकते क्योंकि दिमाग खाई रहता है, स्टार्टिंग में पढ़ लीजिएगा, दिमाग भर जाने के बाद ही नहीं भरता है, खाली दिमाग में इसको एडजस्ट हो सकता है। फिर आप कहा ऑब्जर्वेशन लॉ, ऑब्जर्वेशन लॉ जो है ये क्या कहता है, एक तरह से क्या बोलेगा उसको, एब्जॉर्ब करना, क्या होना उसको, ऐसा प्रोसेस जो एब्जॉर्ब करे, क्या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच वन थिंग एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब, इसमें करना क्या रहता है, ए प्लस है, ए इंटू बी है, तो क्या ऑब्जर्व किया, ए किया, एंड ए इंटू है, ए प्लस बी है, तो क्या करेगा, ए ही होगा, तो वी हैव, एक को प्रूव करेंगे, दूसरा ड्यूलिटी के माध्यम से होता है, कितना होगा, ए बराबर प्रूव करना, तो ए इंटू वन, और वन को इतना पार्ट में लाना आपको, एक पढ़े होंगे ए बी भी लाना है, वन प्लस डैश लाना नहीं है को ना, वन प्लस बी, वन प्लस बी, अभी अभी पढ़े थे हम लोग कि वन प्लस ए बराबर वन बताया था ना, ये था जी, तो वन प्लस बी के मान में क्या हुआ, वन, वन प्लस सी के मान में क्या हुआ, वन, इस तरह से है ना, क्या था, बाउंडेडनेस है ना, अब इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ए इंटू वन प्लस ए इंटू बी, ए इंटू वन के मान क्या होगा, ए होगा, अरे क्या है, ए इंटू बी आ गया, सिंपल, तो ए प्लस ए बी बराबर क्या हो गया, ए हो गया, अब जो ऑप्शन लो, और बाय ड्यूलिटी के माध्यम से, बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या करेंगे बोलिए, ए जहाँ एडिशन हुआ और जहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ प्रूफ हो गया, तो हमको प्रूफ करके नहीं आता, केवल सीखना है हमको, सीखेंगे तभी हम यूज करेंगे इसको, हाँ, ताकि न्यूमेरिकल में तो आपको कोई ऐसा है नहीं, सब तो ए बी सी डी के रूप में रहेगा आपको, तो एक्सप्रेशन है तो फोर नंबर में जो है फोर नंबर में था एसोसिएटिव, शायद है ना एसोसिएटिव लॉ, ये तो सिंपल होता है लॉ, इस तरह हम लोग यूज करेंगे केवल, है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है,
ये सब हमको इसलिए जरूरत पड़ता है क्योंकि हम अप्लाई करते हैं एक दूसरे में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू बी फिर चलिए फाइव नंबर में कॉम्प्लीमेंट हो क्या नहीं सिंपल है तो हम यूज करेंगे ना जो जरूर पहले तो वहाँ पर करना इसलिए जरूरी था कि वहाँ के बाद वहाँ डायरेक्ट लाना रहता है ये तो सिंपल है इतना रब इतना होता ही है पहले से हम लोग जान रहे हैं इसके ना वो लॉग सब्सक्राइब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड प्रूफ का है ना प्रूफ हर चीज़ का प्रूफ है एंड एलिमेंट ए इन बी चाहे इन बुलियन अलजेब्रा अलजेब्रा बी इज यूनिक क्या हुआ ये यूनिक होता है एक ही होता है दूसरा नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हुआ एक यूनिक वैल्यू होगा अदर वैल्यू नहीं होगा इसका प्रूफ भी है तो हम लोग मान सकते हैं प्रूफ करना है तो अगर यहाँ तो बोला कि यूनिक एक ही होता है ऐसा मान सकते हैं हम लोग स्टेट अलजेब्रा में पढ़े थे ना कि ई पॉसिबल जैसे ग्रुप थ्री में क्या पढ़े थे कि आईआईटी एलिमेंट क्या होता है यूनिक होता है इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है यूनिक होता है तो वही चीज़ यहाँ बोला है कि कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ यहाँ पर यूनिक होगा ये पॉसिबल तो हम दो को मान के चलेंगे सपोज डैट एक्स एंड वाई बी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी देन तब क्या हुआ ए प्लस एस का वैल्यू क्या हुआ वन और ए इंटू एस का वैल्यू क्या हुआ जीरो यही था ना जी। अरे एस क्या है कॉम्प्लीमेंट है तो ए प्लस ए डैश कितना था वन था ए इंटू ए डैश जीरो था ए प्लस वाई वन ए इंटू वाई जीरो एक्स वाई यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ए का कहने मतलब कि एक्स का मान क्या है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वाई का मान भी क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो ए प्लस एक्स लिखा हुआ भले है लेकिन एक्स क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है तो वी शो डैट हम लोग क्या शो करना पड़ेगा यहाँ पर एक्स बराबर वाई अगर यह दिखा देते हैं कि एक्स बराबर वाई है समझ जाए कि दोनों क्या है यूनिक है एक ही है अलग अलग नहीं है। हाँ कॉम्प्लीमेंट जो है किसी के पावर सी दे के भी आप कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं वही चीज़ है तो ना जैसे एक्स बराबर प्रूफ करना वाई तो एक्स बराबर लिख सकते एक्स इंटू वन तो एक्स इंटू वन क्या होता है ए प्लस ए डैश यानी कि वाई लिख सकते हम लोग वन बराबर ए प्लस वाई कितना हो गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिए एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू वाई एक्स इंटू ए क्या है कॉम्प्लीमेंट है
एक्स इंटू ए चाहे ए इंटू एक्स दोनों सेम है ना, जीरो होगा, जीरो प्लस एक्स इंटू वाई। तो जीरो को लिख सकते हम लोग, जीरो को ए इंटू वाई प्लस कितना हुआ एक्स इंटू वाई। अब डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया ना, ए प्लस एक्स इंटू वाई, और ए प्लस एक्स का मान कितना वन है, वन इंटू वाई कितना हो गया, एक ही होगा दूसरा नहीं होगा। तब ना इसको ये कर दे रहे हैं बिना, आज लॉ कंप्लीट कर दे रहे हैं आपको, या जो लॉ कल पढ़ के आते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल कल आपको बताया जाएगा, और किस टाइप के एग्ज़ाम में आया था और किस टाइप के आएगा वो अभी बताया जाएगा ना, ये कितना करने के बाद। क्या हुआ था जी, चार हुए पाँच हुए, सिक्स नवंबर में डी मॉर्गन लॉ। इसमें बोलता है कि फोर एवरी दो एलिमेंट लिया गया यहाँ पर, पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इन ए बूलियन अलजेब्रा अलजेब्रा बी, तब क्या हुआ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट पहला नंबर है ना, दूसरा नंबर क्या है ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो प्रूफ कीजिएगा, ऑर्डर पेयर तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि यहाँ पर दो का सम वन और दो का प्रोडक्ट जीरो, ऐसा करेंगे तब क्या हुआ दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों क्या हुआ इक्वल होगा, समझ गए, दो का सम और दोनों का प्रोडक्ट, यानी दो अलग ला रहा है आपको तो दोनों का सम निकालना पड़ेगा। तो नौ ए प्लस बी प्लस ए डैश इंटू बी डैश इक्वल टू, लिख सकते हैं ए प्लस बी को बी प्लस है, जो फर्स्ट दिन आप इसका प्रूफ किए होंगे जी है ना, थोड़ा सा ए प्लस बी प्लस ए डैश इंटू बी डैश, तो बी प्लस कितना हुआ ए प्लस ए डैश इंटू बी डैश, तो बी प्लस ये क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट लगा दी यहाँ पर, तो क्या हुआ ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस बी डैश। अब b इसका मान क्या होता है वन, इसका मान क्या है वन, वन इंटू ए प्लस बी डैश। अब देखिए बताया थे हमको a प्लस बी डैश यह कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन b प्लस कितना हुआ b डैश प्लस ए, b प्लस बी डैश का मान कितना था बोली, तो
वन प्लस ए, और वन प्लस ए के मान क्या था? वन था, वन था ना। हाँ, इतना बड़ा वन ही प्रूफ किया हम, देखिए। हाँ, ये तो भूलिएगा ही, तो लॉजिक का थोड़ा सा भूलिएगा। एंड ए प्लस बी इंटू ए डैश इंटू बी डैश, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए डैश कितना हुआ? बी डैश लगा दिए, एसोसिएटिव लॉ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डिस्ट्रिक्ट लगा दीजिए, ए प्लस ए इंटू ए डैश होगा ना जी, प्लस बी इंटू बी डैश फिर होगा। इसका मान क्या हुआ? ए इंटू ए डैश का मान बोलिए, ए इंटू ए डैश का मान कितना होगा? जीरो होगा, जीरो है। प्लस बी इंटू बी डैश इंटू बी डैश, अरे हाँ जी सर, अगर b into a dash होगा तो सर यहाँ पर ना। कितना होगा? b into a dash into b dash, इसको लिख सकते हैं a dash into b into b dash, a dash into b into b dash, अब a dash into zero जीरो हो गया। तो दो का सम जीरो और दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा? जीरो। दोनों क्या हुआ? इक्वल। दो का सम वन, प्रोडक्ट जीरो, तो आइडेंटिकल होगा। क्या बाबू? आइडेंटिकल होगा, समझ गए? दोनों का सम जीरो हो और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि लिख सकते कितना? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। आप ड्यूल के माध्यम से कर सकते हैं आप इसको, ड्यूल के माध्यम से। बाय ड्यूल के माध्यम से क्या होगा? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट।